दोस्तों यहाँ पर Realme Narzo 30 इंडिया में लॉन्च हो चुका है 4G और 5G एडिशन में। मेरे पास है यहाँ पर दोस्तों Realme Narzo 30 4G वाला वेरिएंट और इसका हम यहाँ पर कैमरा टेस्ट करेंगे। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का दोस्तों मैक्रो है और 2 मेगापिक्सल का ही आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। इसमें दोस्तों आपको सोनी की 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं इसके वीडियो सैंपल से लेके इसके कैमरा सैंपल तक। तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों इस फोन में आपको मैक्सिमम 4K तक रिकॉर्डिंग की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, लेकिन जो दोस्तों ये वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मैंने 1080p मतलब फुल HD प्लस में यहाँ पर रिकॉर्ड की है। तो जिसका जो दोस्तों मेन मतलब है वो ये है कि इसमें आपको EIS देखने को मिल जाता है जब आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और थोड़ा मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ तो आपको यहाँ पर क्वालिटी का पता लग जाएगा कि कैसी क्वालिटी आपको यहाँ पर जूम करने पे मिल जाती है। आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है बैक में। इसमें दोस्तों आप स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी कलर्स वगैरह आप देख सकते हैं कि कैसे निकल कर आए हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पर नाइट सैंपल की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो नाइट में कैसी निकल कर आएगी। तो दोस्तों अगर मैं नाइट की बात करूँ तो यार ठीक ठाक मैं बोलूँगा, यहाँ पर इतना सही है कि बिल्कुल नॉइज़ तो आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी, लेकिन फोकस में ज़्यादा इशू ये फ़ोन यहाँ पर नाइट में नहीं करता है। तो ज़्यादातर कैमरा टेस्ट में दोस्तों नाइट सैंपल आपको नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर नाइट सैंपल आपको दिखा रहा हूँ तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। इसमें दोस्तों टाइम लैप्स भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी सही एक फीचर लगा है। इसमें काफ़ी अच्छे टाइम लैप्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर देखने को मिलता है और जो दोस्तों वीडियो क्वालिटी है फ्रंट कैमरे से मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर इसमें आपको फ्रंट में स्लो मोशन के ऑप्शन देखने को ना नहीं मिलती है और ना ही आपको यहाँ पर EIS देखने को मिलता है। ये दोस्तों मैं अभी आराम से चल रहा हूँ, इस वजह से आपको ज़्यादा यहाँ पर हिलती ढुलती हुई वीडियो नज़र नहीं आ रही है। बाकी इसमें कोई भी स्टेबलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आप मैन्युअली भी फोकस कर सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं एक्सपोजर की। बाकी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी है फ्रंट कैमरे की। दोस्तों बात करें यहाँ पर 48 मेगापिक्सल के शॉट से तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर शॉट निकल कर आया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों यहाँ पर आपको सब कुछ सही देखने को मिलेगा, लेकिन जो Realme के फ़ोन हैं उसमें दोस्तों यार आपको काफ़ी ज़्यादा कलर्स देखने को मिलते हैं HDR ऑन करने के बाद। दोस्तों काफ़ी सही मैं बोलूँगा यार काफ़ी सही फ़ोटो निकल कर आई है 48 मेगापिक्सल में ही ये मैंने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक की है। तो नो डाउट दोस्तों जो प्राइमरी कैमरा है इसका 48 मेगापिक्सल का वो काफ़ी सही है। इससे आप दोस्तों काफ़ी कुछ ऐसे शॉट भी ले सकते हैं क्रोमा बूस्ट ऑन करके जिसमें आपको कलर्स काफ़ी ज़्यादा पंची देखने को मिलते हैं। पोर्ट्रेट शॉट की दोस्तों बात करें तो इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, उसके साथ आप काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट यहां पर निकाल सकते हो। तो उसमें दोस्तों कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मुझे तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। नॉर्मल शॉट की बात करें AI शॉट की तो उसमें दोस्तों वो भी ठीक ठाक है, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़े बहुत यहाँ पर अच्छे आ सकते थे। तो दोस्तों नॉर्मल शॉट में कहूँगा कि ठीक ही है और इस प्राइस से दोस्तों ठीक है क्योंकि इसमें हीलियो G95 भी है तो थोड़ी बहुत यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की होगी। बाकी दोस्तों बात करें यार यहाँ पर कुछ और फीचर्स की तो इसमें जो दूसरे फीचर्स है वो है क्रोमा बूस्ट HDR हो गया, जो कि हर Realme के फ़ोन में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो 2MP का मैक्रो कैमरा है वो दोस्तों ज़्यादा खास नहीं है, टैप टू फोकस भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो बस सिंपल सादे आप यहां पर मैक्रो शॉट निकाल सकते हो, जो पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। बाकी जो इसका मेन कैमरा है मैंने आपको बताया वो काफ़ी सही है। इसमें आप देख सकते हैं नाइट मोड आपको देखने को मिल जाता है, राइट साइड में आप देख सकते हैं नाइट मोड से मैंने फ़ोटो यहां पर खींची है तो काफ़ी अच्छे यहां पर रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो लेफ़्ट साइड में है उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहां पर फ़ोटो निकल कर आई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राइट साइड में नाइट मोड ऑन की हुई फ़ोटो है जिसमें आपको काफ़ी कम नॉइज़ देखने को मिलती है, साथ में कंट्रास्ट लेवल भी काफ़ी अच्छा मेंटेन कैमरा कर लेता है। तो इसमें दोस्तों जो 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो काफ़ी सही है।
बाकी दोस्तों जो फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, उससे सेल्फी आप देख सकते हैं काफ़ी सही निकल कर आती है। मैं कहूँगा बस हल्की सी दोस्तों सेचुरेशन लेवल में यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी काफ़ी सही है। और जो इसका पोर्ट्रेट मोड है वो तो मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी सही लगा है फ्रंट कैमरे का। तो कई बार दोस्तों एज डिटेक्शन में कमी आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम काफ़ी अच्छी फोटोज़ देखने को मिल जाएगी। राइट साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप अपने फेस पे टच करेंगे तो बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन जो फेस की दोस्तों लाइट है वो यहाँ पर पूरी चली जाती है, इसलिए मैनुअल एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, एक्सपोजर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया कि इसका जो पोर्ट्रेट मोड है फ्रंट का, काफ़ी सही लगा मुझे। बस थोड़ी जो फोटो है वो स्मूदनिंग सी हो जाती है फोटो में, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये एक रियलमी का फ़ोन है, आपको पता है इसमें जो मतलब कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पंची देखने को मिलते हैं। और जो नाइट में दोस्तों फ्रंट कैमरे से आप फोटो लेते हैं वो मुझे काफ़ी बेकार लगी है, तो आप ना ही यूज़ करें तो सही रहेगा। बाकी दोस्तों चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, और दोस्तों जय हिंद जय भारत।